आपको एक मोहब्बत के हादसों में से एक हादसा सुना था मैंने। बरसों उम्रें गुजर गई, बरसों गुजर गए, वो फिर वापस आए। वो वापस आए तो एक जहन में एक मेरे एक शेर अचानक याद आ गया कि जब उनको देखा मैंने तो कुछ अलग ही था। तो एक शेर अचानक याद आया कि बड़ी बेरुखी सी थी जिंदगी उनकी मेरे साथ, बड़ी बेरुखी सी थी उनकी जिंदगी मेरे साथ, जब से छोड़ा है मुझे वो सजना संवरना सीख गया। अब ये तो मैंने खुद से बात की, अब जब वो आए हैं तो मैंने, आप लोग नॉर्मल जैसे बातें करते हैं वैसे मैं शेर के हवाले से वो बात बोलता हूँ कि एक रिक्वेस्ट क्या की मैंने उनसे कि जिंदगी में बाकी कोई ख्वाहिश हो तो देख लो, जिंदगी में बाकी कोई ख्वाहिश हो तो देख लो, मेरे लिए दिल में बची कोई गुंजाइश हो तो देख लो। उन्होंने देखा और उन्होंने इग्नोर कर दिया, उन्होंने कुछ बोला नहीं। पर मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने फिर रिक्वेस्ट की, एक और शेर बोला उनके लिए कि किसी की चाहतों पर एतबार नहीं कर पाया, किसी की चाहतों पर एतबार नहीं कर पाया, तेरे बाद में फिर किसी से प्यार नहीं कर पाया, तेरे बाद में फिर किसी से प्यार नहीं कर पाया। उन्होंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर कोशिश की, मतलब मोहब्बत में आदमी को खुश करना होता है ना, तो मैंने और कोशिश की। फिर मैंने ये लिखा कि यूं तो हर मोड़ पर मिली है शिकस्त मुझे, यूं तो हर मोड़ पर मिली है शिकस्त मुझे, पर तुमसे हारने का मजा ही कुछ और था। उन्होंने इग्नोर कर दिया तो इस बार मैं सच में दिल पड़ ले गया, और जब दिल पड़ लिया तो फिर मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गई, मेरे मतलब जमीर पर बात आ गई। तो फिर मेरे दिल से ईमान के थ्रू ये बात निकली कि बस ये फर्क जान लेते तो फासले ना होते हमारे दरमियाँ, बस ये फर्क जान लेते तो फासले ना होते हमारे दरमियाँ, कि तुमने मोहब्बत की थी और मुझे मोहब्बत हुई थी। उन्होंने सुना तो उनका मतलब चेहरा झुक गया, तो मुझे बड़ा दुख सा हुआ। तो जाते जाते मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की, कहीं कहीं ना कहीं पहल ही जाता है आदमी, इतना तो चलता है। सो एक रिक्वेस्ट की मैंने उनसे कि जाते जाते जब वो जा रहे थे तो उनसे एक रिक्वेस्ट की कि मौत का ना सही तो गमों का आंचल कर देते, मौत का ना सही तो गमों का आंचल कर देते, जाने से पहले काश मुझे पागल कर देते। बहुत बहुत शुक्रिया।